जिल्हाभरात 2 दिवसापासून कायम सुरू असलेल्या पावसानंतर आता आणखीन 2 दिवस अतिवृष्टी राहणार असल्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडून पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा तसेच महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसात पुणे जिल्ह्यात होणारा मुसळधार पाऊस पाहता तसेच धरण आणि नद्यांची सद्यस्थिती पाहता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि याचा फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय यांना सुट्टी देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी राम यांनी घेतलाय. मावळ, जुन्नर, भोर, मुळशी आणि वेला या तालुक्यातील शाळांना देखील सुट्टी जाहीर केली आहे. नमस्कार, मैं जिलाधिकारी पुणे आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान करना चाहता हूँ. अभी पुणे ज़िले में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है. इसमें परिस्थिति ऐसी है कि मुड़सी और मावड़ जो दो हमारे तालुके हैं वहाँ पे सभी महत्वपूर्ण डैम्स वहाँ पे हैं और अभी सभी डैम्स में तकरीबन 100% से ऊपर पानी आ गए हैं. इसके कारण से हमने पानी छोड़ा है और अभी परिस्थिति ऐसी है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में तकरीबन 1,00,000 क्यूसेक के स्पीड से पानी जा रहा है. इसके कारण से जो पुणे शहर है और साथ में पिंपरी चिंचवड़ शहर, वहाँ पर जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई है. इसको ध्यान में रखते हुए हमने जिला प्रशासन की तरफ से जितना भी उसमें राहत और मदद है सब कर रहे हैं. कल हमने पूरे ज़िले में ग्रामीण भाग और शहरी दोनों जगहों पर स्कूलों में छुट्टियाँ घोषित की है. मैं सभी नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कल आपको ट्रैफिक जाम की परिस्थिति फेस करनी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको पानी का सामना करना पड़े. तो ये एक दो महत्वपूर्ण विषय है. इसके कारण से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि कल घर से बाहर आप ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी काम आपके लिए ना हो.